हेलो फ्रेंड, मैं आपको बता रहा हूँ बोर्न सेमेटिक हार्डवेयर सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे वीवो Y12 चार्जिंग डेटा की लाइनें जो कहाँ से कहाँ कनेक्ट होती हैं, कैसे कनेक्ट होती हैं। आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, लेटेस्ट वीडियो, और बेल आइकन ज़रूर दबाए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मैं आपको बता रहा हूँ वीवो वाई का चार्जिंग सेक्शन और डाटा लाइन। तो हमारा जो छोटे वाला बोर्ड होता है सीसी पत्ता, जिससे पत्ता लगकर हमारा इस यहाँ पे कनेक्ट रहता है, तो यहाँ से हमारी लाइन निकलती हैं जो एक छोटी सी टिप्स के थ्रू निकल कर, जिसमें हमारी 20 cc प्रीवियस लाइन होती हैं जो कि हमारी एक कैपेसिटर लग के, और यह टिप्स छोटे छोटे टिप्स के थ्रू इस आईसी के अंदर चली जाती है जो हमारी चार्जिंग आईसी होती हैं। और ये चार्जिंग आईसी से एक हमारी विश सप्लाई मेन सप्लाई बन जाती हैं, और जो दूसरी ये कोयल और कैपेसिटर लग के, और दूसरी जो हमारी होती हैं ये हमारी वीबेट की लाइन होती हैं। ये हमारी बैटरी कनेक्टर से कनेक्ट रहती हैं, जिसमें कैपेसिटर लगा के इसको ये वाली जो एक टिप्स के थ्रू होती है। और दूसरी लाइन जो होती है हमारी बैटरी आईडी की लाइन, जो कि आईडी थर्मल जैसे बताता है, तो ये वाली हमारी इस टिप से लेके और ये सीपीयू के अंदर डायरेक्ट जो आईडी की लाइन होती है उसमें कुछ रजिस्टर लगा के उसे डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट किया जाता है। तो इस तरह से ये आईडी की लाइन कनेक्ट होती है। और जो DMDP लाइन होती हैं जो डाटा के लिए यूज होती हैं, ये वाली हमारे छोटे पत्ते से कनेक्ट होके इस दो टिप्स पे होती है ये वाली। और ये हमारी DMDP की जो लाइन होती हैं ये सीधी ना CPU से ही कनेक्ट रहती हैं, कई बार पावर से भी कनेक्ट रहती हैं। तो इनको हमको बोर्डियो में देखने से ही पता चलता है कि ये लाइनें कहाँ जा रही है। तो हम इन लाइनों को देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे छोटे छोटे रजिस्टर और डाइवर्ट मिल रहे हैं, इनके थ्रू ये हमारा CPU के अंदर जा रही है। तो ये सब प्रॉब्लम होने पे हमें CPU ही रिबॉल करना पड़ता है या चेंज करना पड़ता है, और ये रजिस्टर वगैरह को भी चेंज किया जा सकता है। तो हमारे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक यू फ्रेंड।